एक तो ये बात करेंगे, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कश्मीर के हवाले से। हमारे पास अब इतना सब कुछ आ रहा है, हम बिल्कुल कश्मीरियों के पास वो सब कुछ हमें मिल रहा है जिसकी हमें खोज थी 70 साल से, जो हम ढूंढ रहे थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे, बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, ये असल चीज तो ये है। ठीक है जी, पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है? पे वो यूएई से ले आए इन्वेस्टमेंट, वहां से वो सऊदी अरेबिया से, वहां पे अरब कंट्रीज से वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आए वहां पर, कि जो स्टेट कंपनियां हैं दूसरे मुल्कों की, वो वहां पर आकर जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने बना दिए। मोदी हुकूमत ने कश्मीर का जो डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि कोई कुछ कह ही ना सके। एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, और जब से ये नारा आया है तब से हमने देखा कि डेवलपमेंट की तरफ या हमारा बजट जो है, ये जिस तरीके से भी कश्मीर जो है इस टाइम टॉप चल रहा है। कश्मीर में जो है हर तरीके की डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। इससे जारी बात है, जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने आईटी टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे? फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे? क्यों अपनी जुदोजहद करेंगे? वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। इतने तरीके कार के साथ इतने सिस्टमेटिकली वो चलते हैं हर चीज में। आप देखें, हर जो भी स्टेप उठाते हैं, आप मोदी हुकूमत को जरा देखिए, वहां की भारत की जरा स्ट्रेटेजी देखिए, कि वो जो भी काम करते हैं बड़े सिस्टमेटिकली और इस तरीके से करते हैं कि किसी को उंगली उठाने की वही ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। दोस्तों, इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, ये रकम बहुत ही ज़्यादा होती है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाएगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल्स बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे और ऐसे ही कई तमाम और भी चीज़ें बनाई जाएगी। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि भाई भारत की साइड जो कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से हो रही है। वहाँ पे मोदी सरकार बढ़ चढ़ के भाई बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप रकम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कश्मीर की साइड हो रही है। और वहीं दूसरी साइड भाई हम बात करें पाकिस्तान की साइड कश्मीर, वहाँ पे भाई बिजली के बिल इतने हाई रेट पे पहुँच चुके हैं कि भाई लोगों को फैक्ट्री बंद कर लेनी पड़ रही है, क्योंकि भाई वो बिल ही नहीं भर पा रहे अपना। तो ये डिफरेंस है भाई भारत के कश्मीर में और पाकिस्तान के कश्मीर में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई भारत के कश्मीर के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं और अपनी ज़िंदगी एकदम चैन से जी रहे हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये डीपी जो इंडिया कश्मीर के अंदर, ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ईयर मार्क कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का और दुबई के इन्वेस्टर्स का कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और एक कंपनी है, दुबई डेवलपर है, मार प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे एक मॉल भी बना रही है श्रीनगर के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो मार प्रॉपर्टीज है, ये पाकिस्तान के अंदर भी काफी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है। ठीक है जी, और एक और कंपनी है, अच्छा बहुत सारे, क्योंकि इंडियन जो है वो दुबई में बेस्ड है, अब वो वहां पे जो काम कर रहे हैं वो वहां से फिर पैसा जो है वो कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं। एक आई थिंक लुलू ग्रुप है जो कि जिसका हेडक्वार्टर तो यूएई में बेस है, एक इंडियन बिलियनियर है, वो अपना जो फूड प्रोसेसिंग हब जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब क्योंकि कश्मीर को समझा जा रहा है कि ये एक बड़ा हैवीली मिलिट्राइज जोन है और यहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है, तो ये जो पैसा है ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना। लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। अब ये जो आपको पता है कि ये तो अभी ड्राईपोर्ट की बात हो रही है, इससे पहले जो कि दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे जो है वो राजी हुई थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे अब ये भी बातें चल रही थी कि वायलेंस जो है वो कश्मीर में बढ़ रहा है, एक तरफ मुजाहिदीन जो है वो जो यंग लड़के हैं वो भी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, उधर से
जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने, क्योंकि वहां पे सारा एक तरफ तो जो पॉलिटिकल निजाम है मुअत्तल कर दिया हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद से। सो ये जो सिचुएशन है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, ये असल चीज तो ये है। ठीक है जी, अब दुबई की गवर्नमेंट तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये करती है, सिग्नेचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करती है अब, लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सरकार जो वो बिल्कुल साइलेंट है। और दूसरा ये है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, इससे जारी बात है जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन लीगल और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने आईटी टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब ये देखें कि जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनको मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि दुनिया जो है उसको यहाँ पे आएंगे, दुनिया जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो और लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस खत्ते को हम ग्रो कराना चाहते हैं। अब देखिए ये जब दोनों कश्मीर जो है वो उनके लिए एक चैलेंज, अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहां इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तानियों को अपनी सरकार के ऊपर, कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कि वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाएं। ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने इनडायरेक्टली ही कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट दी है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी गवर्नमेंट नहीं है किसी की, ऐसा कश्मीर में किसी की गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो जितनी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आए हैं ये बीजेपी ने अपने तौर पे या एक नेशनल, वो मतलब नेशनल गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किए हैं। और अगर गवर्नमेंट आ जाएगी, अगर गवर्नमेंट आ जाएगी किसी की भी, मतलब आप ज्यादा बेहतर जानती है कश्मीर के मामला और वहां की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलूंगी कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था तब से ऐसे बहुत सी चेंजेस आई हैं हमारे कश्मीर में, और सबसे बड़ी चेंजेस, सबसे बड़ी चेंज क्या है, सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था ना, अब वो नहीं निकल रहा, अब उनके हाथ में मोदी जी ने पेन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारी ये उम्र जो है ये पढ़ने के लिए है तो तुम पढ़ो। तो 5 साल से कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज बताती हूँ जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर अपनी पार्टी हो, या फिर आजाद साहब की पार्टी हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है सब अपने काम में लगे हुए हैं, सब जोरों जोरों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी स्ट्रांग पार्टी का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। आज जो आम लोग है ना वो बेवकूफ नहीं है, वो अब उन पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं जो उन्हें हम कह सकते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, अत्याचार करती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी हमारे ऊपर ग्रेनेड वगैरह फेंके हो, नहीं, लेकिन अपनी बातों में, अपनी उन सारी सिचुएशंस में उलझाना। तो अब जो लोग है ना वो बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ आ गया है कि अगर बीजेपी जीतती है, इन केस अगर बीजेपी जीतती है तो कश्मीर कहां से कहां पहुंच सकता है। अगर दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से भारत की कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की गई है, हमने पहले देखा कि किस तरीके से भाई मोदी सरकार दुबई की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर लाई और सऊदी अरेबिया की। दोस्तों, इसके पीछे का भी एक कारण है कि क्यों भारत की सरकार इस्लामिक कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट ही कश्मीर के अंदर लाई। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है कश्मीर में हमले करवाता है, और जो कश्मीर से उन्होंने कश्मीर में जो हमले करवाता है उससे भाई भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो पाकिस्तान है उसने भाई इस्लामिक कंट्री जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया इन सबसे भारी मात्रा में भाई कर्जे ले रखे हैं। तो भारत के कश्मीर में जब अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुबई हो गए, सऊदी अरब हो गए, तो पाकिस्तान पे एक प्रेशर जाता है कि भाई वो
इंडिया के कश्मीर के अंदर हमले ना करें, क्योंकि सीधा जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दुबई, सऊदी अरेबिया, ये सब भाई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाती है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो काबू में आ जाता है। तो भाई ये होती है भारत की डिप्लोमेसी, इसे ही कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों भारत के कश्मीर की बात करें जाए तो आर्टिकल 370 के हटने से पहले से हम जान 370 के हटने से पहले हम जानते हैं कि भाई किस तरीके की हालात थे जम्मू कश्मीर के। वहाँ पे भाई युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे और भाई वहाँ पे दंगे होते थे। और आज के टाइम की बात करें तो भाई मोदी सरकार ने युवाओं के हाथ में पेन दे दिया है और उन्हें बोला है कि भाई ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम्हारे हाथ में पत्थर नहीं दिखने चाहिए, इस वजह से तुम पढ़ाई करो। इस तरीके से भाई यूथ का माइंडसेट चेंज किया गया है। वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो चुकी है अगर हम पहले के कंपैरिजन में बात करी जाए, और ये सब हो पाया है सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। तो भाई देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है पूरा बदल के रख दिया एकदम भारत ने।